हेलो वेलो, मैं हूँ फैक्ट भाई और चंद्रयान 3 हो गया है फेल, जिसके पुर्जे ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर पड़े मिले। और ये न्यूज ना सिर्फ इंडिया में मगर पड़ोसी मुल्क में भी वायरल हो चुकी है। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि भुवन बम की ताज़ा खबर सीरीज अब इंडिया की टॉप वॉच सीरीज में से एक हो गई है। टॉप से याद आया, क्या फ्लाइंग बीस्ट ने खुद का वीडियो वायरल होने के लिए कैरी मिनाटी से करवाया था अपना हीरोज? क्या ये सोची समझी साजिश थी? आइए जानते हैं। नंबर 1, आज की ताज़ा खबर। जिस लिस्ट में अनिल की मैनेजर और शायद की फर्जी हो तो उसमें कोई दूसरा आ सकता है। लेकिन वेट, इन बड़े सितारों के बीच भुवन बम का तारा भी फुल ऑन चमक गया है। जी हाँ, उनकी इस साल रिलीज हुई ताज़ा खबर ने जनता के दिल में जगह बना ली है, क्योंकि इस साल निकले सारे ओटीटी शोज में से भुवन बम की वेब सीरीज सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद आपको असुर 2 का नंबर दिखाई देगा। और वैसे भी इस सीरीज को करके भुवन ने दुनिया को दिखा ही दिया कि वो 5 घंटे 1 या 10 मिनट में 5 किरदार अच्छे से निभाना जानते हैं। ये सीरीज भुवन ने इसलिए बनाई थी क्योंकि उसे लगा था कि अब ऑडियंस पहले जितने सीरीज नहीं देख रही है, इसलिए उसने इमोशंस का तगड़ा छिड़काव डालकर ताज़ा खबर को रिलीज कर दिया और उसका नतीजा अब आपके सामने है। इनफैक्ट हाल ही में IMDB ने भी ताज़ा खबर के हिट होने के सबूत सबके बीच लाया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि भुवन अब YouTube पे कम और TV पर ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि खबरों की माने तो भुवन जल्द ही एक एक्शन मूवी में दिखाई देंगे। नंबर 2, चंद्रयान 3 हो गया फेल। चंद्रयान 3 चांद की जगह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। यस, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होती ये तस्वीर पर दुनिया भर से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड बीच पर मिला, जहां पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसे कवर कर लिया। लेकिन वहां के एक इंजीनियर का कहना था कि ये एक रॉकेट का हिस्सा है और वो भी इंडियन, तो इसीलिए इस पर इसरो के चीफ ने कहा कि ये चंद्रयान 3 का नहीं किसी पिछले रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। और तो और, ये भी हो सकता है कि हिस्सा इंडिया का हो ही ना। इसकी जांच के लिए इसरो को ऑस्ट्रेलिया से इस हिस्से को इंडिया में लाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रयान 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर चुका है। लेकिन इंडिया कहीं प्रगति कर रहा हो और पाकिस्तान से कोई टिप्पणी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो वेल, उनके पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी के एक मिनिस्टर ने कहा है कि चांद तो यहीं से दिखता है, तो जाने की क्या जरूरत है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, चांद जो है वो नजर आ जाता है। आर यू कॉमेडी मी? और वही चौधरी साहब ने चंद्रयान 3 पर इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा था। वेल, इनका ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि खुद पाकिस्तानी लोगों ने इनका मजाक उड़ा दिया कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकते, तो चांद पे जाने की तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। मगर जहाँ अभी तक चंद्रयान 3 पर सारी दुनिया में चर्चा खत्म नहीं हुई, वही अब इंडिया के गंगायान लॉन्च की बातें शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 2023 के अंत में या फिर 2024 में इंडिया गंगायान के द्वारा 5-7 दिनों तक 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और फिर दोबारा उन्हें धरती पर लेकर आएंगे। नंबर 3, पबजी ने किया दिमाग खराब। हारना किसे पसंद है? कोई गुस्सा करता है तो कोई रोता है, लेकिन राजस्थान अलवर के एक बच्चे का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। तो भाई लोग, किस्सा ऐसा है कि अलवर के एक बच्चे को पढ़ाई के लिए पड़ोसी ने फोन दिया और उस बच्चे ने वाईफाई के जरिए नोट्स नहीं पर पबजी डाउनलोड कर ली। अब हुआ यूं कि बच्चा खेलने का इतना शौकीन हो गया कि वो कपकपाती ठंड में भी चादर ओढ़े खेल लेता था। ऐसे ही खेल खेल में अब वो हारने लगा था। हारना बर्दाश्त होने के कारण उसके दिमाग और उसके बदन में कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी और इस पूरे किस्से की भनक पेरेंट्स को होली के त्योहार में पता चली कि उनका बच्चा अब शारीरिक और मानसिक रूप से त्रस्त है। और ये सब कुछ पबजी और फ्री फायर जैसी ऑनलाइन गेम्स खेलने की वजह से हुआ है। अब उस बच्चे को एक स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में तो डाल दिया है, पर पेरेंट्स ने इसके इलाज की हार नहीं मानी। ऐसा ही पबजी का एक किस्सा 2020 में भी सामने आया था, जहां एक बच्चे ने अपने पिताजी के 16 लाख रुपए पबजी के कपड़ों और बाकी ऑफर्स में उड़ा दिए थे, जहां फिर उसे सबक के तौर पर पिता ने बच्चों के गैराज में काम करने पर लगा दिया था। तो भाई लोग, ऐसे समय पर बच्चों का ध्यान कहाँ और कितने समय तक है, ये पहचानना काफी जरूरी होता है। नंबर 4, पोल खोल। जब जब बिग बॉस के घर में कुछ नहीं होता है तो एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की, जो आते ही सबको हैरान परेशान कर देता है, जैसे एल्विश ने अभी घर के सदस्यों को किया है और उन्हें ये मौका खुद बिग बॉस ने दिया। असल में बिग बॉस के लास्ट टास्क में एल्विश घर के तानाशाह बने थे, जिन्होंने घर वालों से उल्टी सीधी बातें बुलवाई, जो किसी ने मानी तो कुछ अड़े रहे, पर टास्क होते ही सदस्यों को नहीं एल्विश ने खुद बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिग बॉस ने उन्हें जानबूझकर ऐसा टास्क दिया जहां वो गुस्से में आकर
कर किसी को कुछ उल्टा बोले, लेकिन बिग बॉस शाणे हैं तो एल्विश डेढ़ शाणे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एल्विश पूरी गेम समझ के घर में घुसे हैं। अब देखना बस यही है कि बिग बॉस एक्सपोज होने के बाद क्या करेंगे, पर बिग बॉस की तो जैसे तैसे कट जाएगी। लेकिन पूजा भट्ट का क्या होगा जनाब, क्योंकि जहां एल्विश, आशिका और पूजा भट्ट ट्रेवल व्लॉग्स बनाने की बात कर रहे हैं, वही एल्विश ने उनके पोल की डोर भी खींच डाली। बोले तो एल्विश ने ये कह डाला कि पूजा भट्ट उर्फ उनकी ताई जी बिग बॉस के घर से ट्रेवल व्लॉग्स बनाने शुरू कर दें। फोन तो है ही उनके पास, यहीं से स्टार्ट कर दो ट्रेवल डायरीज, आपके तो फोन भी है ना। तो ये थी घर की अपडेट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, बिग बॉस देखकर क्या आप बिग बॉस बनना चाहते हो, तो स्ले पॉइंट आपको देगा मौका। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जहां उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की और लोगों से टास्क देने के लिए कहा, जिसे कोई भी ईमेल आईडी पे जाके वीडियो, ऑडियो और वॉइस नोट किसी भी तरीके से भेज सकता है। तो भाई लोग, ये टास्क आपको मिले तो अगर आपको खेलना है तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि अगर फैक्ट भाई ऐसा कुछ करता तो आप फैक्ट भाई को कैसे कैसे टास्क देते। नंबर 5, आईटी का जवाब पत्थर से। इंतहा हो गई थी इंतजार की, पर अब फ्लाइंग बीस्ट उर्फ गौरव तनेजा ने फाइनली दे दिया है कैरी मिनाटी को रिप्लाई। उन्होंने 20 जुलाई को अपने चैनल पे ये वीडियो डाला, जिसकी शुरुआत ही कैरी मिनाटी के रोस्ट वीडियो की क्लिप से हुई। फिर आए लोगों के ट्रोलिंग ट्वीट्स और सबसे एंड में फ्लाइंग बीस्ट का जवाब, जहां उन्होंने बताया कि लोग गलत कहते हैं, सच का चेहरा होता है इट्स शो टाइम, जिसके बाद उनके कई सारे फैन मोमेंट्स की क्लिप्स प्ले होती हैं और एंड में आता है देश का धोनी टाइटल, बिल्कुल किसी मूवी के जैसा। अब ये टीजर एक तरह से कैरी मिनाटी और फ्लाइंग बीस्ट के ट्रोलर्स को जवाब है कि उनके कुछ भी कहने से फ्लाइंग बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन सारी चीजों पे मिट्टी डाल के उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका ये जवाब अपने आप में एक मिस्ट्री भी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में खुद से कुछ भी नहीं कहा है। पर इस जवाब और नो जवाब की कहानी में एक ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि जैसे मूवी के टीजर से रिलीज तक मूवी के नाम को चर्चा में रखने के लिए उससे जुड़ी अच्छी बुरी दोनों खबरें मार्केट में उड़ाई जाती हैं, वैसे ही ये देश का धोनी के टीजर को मार्केट में उड़ाने के लिए फ्लाइंग बीस्ट ने कैरी मिनाटी का सहारा लिया हो, क्योंकि उनके चैनल पे 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद उनके वीडियोस को इक्का दुक्का मिलियन व्यूज से ही काम चलाना पड़ रहा है। नंबर 6, ओपोजिशन पार्टी इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, शॉर्ट में बोले तो इंडिया, इसमें है 26 पार्टीज, जिसका होगा बस एक ही लक्ष्य कि अगले साल गिराना है विपक्ष। और इस उम्मीद में राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे और कई सीनियर पॉलिटिशियन ने हाथ मिला लिया है, जहां सारे पॉलिटिशियंस ने मिलके बेंगलुरु के अंदर 17 और 18 जुलाई को जम के बातचीत की और अपने मुद्दों को प्रेस के आगे रखा। मुद्दे थे 2024 में बीजेपी को हराना, संविधान को बरकरार रखना और हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर विचारधाराओं को बचाना। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल है कि समझो इंडिया इलेक्शन जीत गया तो पीएम की गद्दी पर बैठेगा कौन। तो इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि वो अब 11 लोगों की कमेटी तैयार करेंगे जो इस पर चर्चा करके फैसला लेगा और जल्द ही इंडिया के पीएम का ऐलान हो जाएगा। फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। वहीं पर दूसरी तरफ पीएम मोदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से दिल्ली में मुलाकात की और इंडिया के बारे में बात करते हुए कहा कि खराब विचारों से घिरा हुआ गठबंधन कभी नहीं जीतेगा। पीएम का ये भी मानना है कि इलेक्शन के समय एनडीए को 50% वोट तो आराम से मिल जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जब इंडिया की मुंबई में मीटिंग होगी तो उनका उम्मीदवार कौन होगा और क्या जनता 2024 में नई सरकार देखेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ 2024 को लेकर एक महायुद्ध शुरू हो चुका है और जंग ऐलान का नाम पर मीटिंग्स शुरू कर दी गई है। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट बाई की ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।